बाप रे, मेरा दिमाग घूम रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। फ्रॉम मैक्स गेमिंग एंड अभी कर्फ्यू ऑफिशियल लॉकडाउन हो गया है बोल रहे, 21 डेज के लिए लॉकडाउन हुआ अभी। एंड अभी कुछ कितना टाइम हो रहा है, 8:53 9 बज रहे एंड पब्लिक पूरी पैनिक हो गई है। एंड अभी रात के 9 बजे लोग बाहर भाग रहे सब सामान लेने, और इतना लाइन लगा है। अभी मोदी जी ने यह बोला है कि सप्लाई डिमांड चालू रहेगा, लेकिन सप्लाई डिमांड किस बात की, मतलब प्रोडक्ट, थैंक यू भाई, हाँ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे एट द टाइम, अभी पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। लेकिन लोग तो बहुत पैनिक हो रहे कि प्रॉपर सामान मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला लोगों को। अभी 21 डेज लॉकडाउन हुआ है, उसका मतलब ये बात अच्छी भी है, अगर प्रॉपर फॉलो नहीं करोगे तो 210 दिन ऐसा भी हो सकता है, साल हो सकते हैं, लग सकते पूरे इंडिया के घंटे वाले। जैसे मोदी जी ने बोला था कि वायरस एक दिन से एक हफ्ते के अंदर लाख तक पहुंच गया था, सो होप फॉर द बेस्ट। अरे माँ कसम, क्या लाइन है, देखो सामने देखो आप, हाँ आगे चल नहीं का, लोग पैनिक हो गए, पैनिक बाइंग कर रहे हैं अभी, सब ज़्यादा प्रोडक्ट्स ले रहे हैं अभी, लोग बुरी तरह से पैनिक हो गए कि 21 दिन बंद रहेगा तो कि सप्लाई डिमांड चालू रहेगी कि नहीं रहेगी, कोई भी पैनिक हो सकता है। अभी मेरे मम्मी बोली जा थोड़ा सामान लेके आ, वे महीने में निकाल सके, लेट्स सी अभी ये दुकान चालू है कि नहीं। ओह शिट, यहाँ पे भी लाइन है बहुत। लिटरली लोग की फटी पड़ेगा इस बाप रे। और अभी लाइन में खड़ा था, लोग यहाँ पे डिबेट चालू कर दिए कि मोदी जी को पहले बोलना चाहिए था, एक अभी एंड मोमेंट पे 8 बजे बोला है, क्या करेंगे लोग। तो लोग बहुत हद से ज़्यादा ऐसा पैनिक हो रहे ना, तो अभी लोग बोल रहे दुकान बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, इधर जा रहे इधर से चल, तो बोलते दुकान बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उधर क्राउड में था, मैं पब्लिक को बोल रहा था कि मोदी जी ने ये नहीं बोला कि मैं सप्लाई डिमांड बंद करूँगा, लेकिन कोई भी लोग गंदा वाला पैनिक हो रहे, गंदा वाला, इतना लाइन लगे। अभी आपने पीछे देखा पुलिस का गाड़ी आया था, बोल रहा था कि पैनिक मत हो, क्राउड मत करो, डिस्टेंस बनाए रखो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी देख सक अगर देखा जाए तो लोग भी मजबूर है, लेकिन लोग के लिए ये स्टेप उठाया हुआ, तो क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, लोगों के लिए उसने स्टेप उठाया कि लोग अफेक्ट ना हो वायरस से, लेकिन लोग बहुत पैनिक हो गए यार। लेकिन लोग बोल रहे उसने ऐसा 12 बजे क्यों बोला है कि 12 बजे सब ख़त्म हो कि नहीं होगा, सब ख़त्म हो जाएगा, इसलिए लोग भाग रहे फट, और शॉपिंग ये जो भी नेसेसरी सामान है वो लेने भाग रहे। अभी कुछ 10 बज रहा है और लोग पहले से प्रिडिक्शंस करने लग गए, सो लोग प्रिडिक्शंस करने लगे कि सब ख़त्म हो जाएगा, ये होने आएगा, वो हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा। मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी बोला कि मयंक ऐसा मत जा रोड पे, फ़ायदा क्या हो सोशल डिस्टेंसिंग का, तो वो भी जो बोली वो भी बराबर ही बोली उसने, लेकिन अभी क्या बोल सकते हैं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को भी। ये साल मेरे को लग रहा है ऐसे बीमारी में ना उड़ जाए, अगर हम लोग कोऑपरेट करेंगे तो ठीक, वरना नहीं होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइस, भगवान सबको खुश रखे, और खुश कैसे रखें जब पब्लिक की कोऑपरेट नहीं कर रही, तो क्या कर सकते। सो लेट्स होप
वो द बेस्ट गाइस एंड वहाँ पर मेरा दिमाग घूम रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। प्लीज़ लॉकडाउन है तो अभी ख्याल रखो कि टाइमिंग्स दिए, ऐसा आया था कि 6 से 8 दूध ले सकते हो, फिर 10, 9 से 11 आप ग्रॉसरीज ले सकते हो, उसके बाद नहीं निकलना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सप्लाई डिमांड कम ना, अगर वो कम हो गया और 21 डेज में कम हुआ और वो एक्सटेंड हुआ तो बाबा छोटे छोटे चीज़ के लिए जो गंदे वॉर होने स्टार्ट हो जाएंगे ना, बीमारी है ये दूर हो जाए यार। माता रानी, कल से माता रानी आ रही है, लेट्स सी जैसी माता है वैसी बीमारी सब दूर हो जाए। मैं अभी हम लोग आ गए घर पे एंड एक बात करनी है आपसे कि अभी जो न्यूज़ में मतलब लाइक मोदी एक टाइप का क्या बोल सकते हो, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का काम क्या रहता है, सिर्फ मेन टॉपिक बताना, फिर बाद में टीचर डीप ना एक्सप्लेन करते। सो लोग ने क्या किया, जो मोदी जी ने बोला ना, जो भी स्पीच दिया लाइव में, वो पब्लिक ने उसको इंफॉर्मेशन को गैदर किया और पैनिक होकर सीधा बाहर भाग गए। एंड ऐसे ही बाहर भाग गए तो लाइन लगी पड़ी है, लोग चुपक चपक के खड़े हैं एंड सामान ले रहे, ये धक्का मुक्की चालू है। अभी पुलिस की गाड़ी है, बोले डिस्टेंस मेंटेन करो, ये करो वो करो। फिर उसके पाँच, जैसे ही मोदी जी का स्पीच ख़त्म, उसके 5 मिनट बाद ये आया, पोस्ट आया कि, और हेडलाइंस भी आती जा रही थी कि ना राशन की दुकान, राशन दूध भाजिया ये दुकानें बंद नहीं होगी। बंद नहीं होगी इन द सेंस, मतलब जो टाइमिंग मैंने आपको जस्ट बताया था कि 6 से 8 दूध का टाइम होगा और 9 से 11 राशन आप ले सकते हो। सो वो चालू रहेंगे, पेट्रोल पंप वो सब चालू होगा, प्रिंटिंग मीडिया शॉप्स वो बंद होगी, फिर बाकी की एम्बुलेंस चालू होगी, एम्बुलेंस चालू है, फिर हॉस्पिटल चालू, क्लिनिक चालू होगा। पुलिस वाले को भी बोलना चाहिए कि जो जा रहे सीधा धड़ाधड़ मार रहे डंडे से, उनको सुबह सुबह जो जा रहे, कोई लोग बराबर है जो सामान वामान लेने जा रहे उनको छोड़ो, जो ऐसी हैवी घूम रहे तो उनको मारो, लेकिन पता नहीं मार रहे पुलिस धनाधन सीधा तो पैनिक उनका भी बढ़ गया, डर फैल रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, तो लोग पागल हो रहे। सो देखते हैं अभी क्या सीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को भी। सो आई होप फॉर द बेस्ट कि ये जल्दी से जल्दी दूर हो जाए एंड सब लोग अच्छे से ऑफिस से रह पाए। सो टिल देन प्लीज़ रिस्पेक्ट योर मॉम एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मा गैंग, आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू गाइस, पीस आउट।